सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। वाधायूं, वाधायूं, वाधायूं। रिश्तो.com जे न्यू ब्रांच जूं सभिनी के वाधायूं। रिश्तो.com हाणे गोल मैदान उल्हासनगर बे में भी। रिश्तो.com सिंधियुन जो सिंधियुन सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। एक पुराने झगड़े को लेकर एक घर में घुसकर परिवार पर हमला करने की घटना सामने आई है। घटना कैंप 5 की है और इस घटना को लेकर हेडलाइन पुलिस स्टेशन में 3 महिलाओं समेत कुल 10 जनों के खिलाफ गुनाह दाखिल किया गया है। प्रकाश सुखदेव पाटोले परिवार सहित कैंप 5 के न्यू नेहरू नगर परिसर में रहती हैं। प्रकाश पाटोले ने हेडलाइन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है कि 13 सितंबर रात 10:30 बजे के दरमियान इसी परिसर के रहवासी प्रवीण विश्वनाथ लोखंडे, विश्वनाथ लोखंडे, रवि लोखंडे, विकास लोखंडे, समाधान, दीपक मदन, ऋतिक और 3 महिलाओं ने मिलकर घर में घुसकर तोड़फोड़ की और उन पर हथियारों से लोखंडी रॉड और पत्थर से हमला कर दिया। इस हमले में पाटोले परिवार गंभीर जख्मी हुआ है, जिनको उपचार के लिए उल्लासनगर के सरकारी सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां प्रकाश सुखदेव पाटोले की शिकायत पर हेडलाइन पुलिस स्टेशन में 3 महिलाओं समेत 10 लोगों के खिलाफ गुनाह दर्ज किया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैं शुरुकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। मेरा नाम प्रकाश सुखदेव पाटोले, मैं हेडलाइन पुलिस स्टेशन न्यू नेहरू नगर में रहता हूँ। हमारे यहाँ मंडल का गणपति बैठा था, जो शिंदेगढ़ का शाखा अध्यक्ष है प्रवीण विश्वनाथ लोखंडे, इन्होंने हमको रात को बेदम मारा मारी की है। मेरे पिताजी के और भाई के सर में रॉड मारा है और वो लोग ने जो पानी का जार था उसके ऊपर से झगड़ा कारण किया है और उसके पहले उन्होंने फटाका फोड़ा था, तो हमने कंप्लेंट करने गए थे तो कंप्लेंट हमारा हुआ नहीं, तो हमको बोले तुम थोड़ी देर बाद में आओ, तो वही कारण से वो लोग ने गुस्से की वजह से रात को 10:30 के दरमियान ये प्रवीण विश्वनाथ लोखंडे, उसका पिताजी विश्वनाथ लोखंडे, उसका भाई रवि लोखंडे और उसका छोटा भाई सबसे विकास लोखंडे और उसके साथीदार दीपक मदन, ऋतिक और समाधान और लोखंडे के घर के प्रवीण की माँ, उसकी बीवी और उसकी बहन, इन लोगों ने, सब लोग ने मिलके मेरे पिताजी को और भाई को, मेरे को, मेरे मम्मी को, मेरे भाभी को और मेरी बहन को मारा है। किस चीज से मारा और क्यों हमला किया गया? ये हमला इन्होंने पुरानी दुश्मनी के कारण किया हुआ है और पिताजी के सर में मेरे चॉपर मारा है पहले और मेरे भाई के भी सर में चॉपर मारा, फिर बाद में पिताजी के पैर पे रॉड से मारा है, भाई के हाथ पे रॉड से मारा है, मेरे को भी रॉड से मारा है। अच्छा, इसकी शिकायत पुलिस में की है? हाँ, मैंने शिकायत पुलिस में की है। क्या मांगे आपकी? मेरी ये मांगे कि इनको 307 का गुना दाखिल होना चाहिए, बल्कि इन्होंने सर में चॉपर मारा है दोनों के भी और टाका गिरा हुआ है और घर में घुस के इन्होंने, जब हमने कंप्लेंट देने गए तो घर में घुस के इन्होंने पूरा तोड़फोड़ किया हुआ है, कपाट विपाट गिरा दिए सब। जब हम रात को पुलिस चौकी से जब 4:15 बजे घर पे गए, तब हमने जब देखा कि ये लोग ने ऐसे ऐसे हरकत की है, फिर दोबारा हम पुलिस चौकी में गए थे, अभी उसकी शिकायत तो दर्ज हुई नहीं है जो घर में घुस के ये लोग ने तोड़फोड़ किया हुआ है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।